दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ज्ञान टैलेंट रिसर्च के स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित जो कट ऑफ है और रिजल्ट डेट है कितना होगा और कब ये आ जाएगा रिजल्ट, इसके बारे में मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है 16 दिसंबर 2020 को हुआ था और इसे 5 लाख से अधिक छात्र इसमें बैठे थे। सीटों की संख्या की बात करें तो 484 सीट जो है ये वैकेंसी आई थी 484 सीट पे, और फिजिकल के लिए जो है दो गुना, मतलब क्या कि 484 को 2 से गुना करेंगे तो 968 छात्र जो हैं इसमें सेलेक्ट होंगे। कट ऑफ पिछले बार से जो है 5 से 8 नंबर जो है आपका ये ज़्यादा जाने वाला है। ज़्यादा जाने का मतलब ये है कि पिछले बार जो है वो 289.33 मेल का कट ऑफ था और फीमेल का जनरल की 188 था, ठीक है। तो इस बार जो है ये जो कट ऑफ जाएगा आपका जनरल का मेल में तो ये जाएगा 300 प्लस जाएगा, और यह जो है जनरल का कट ऑफ एक्सपेक्टेड इसको आप लेके चले और फीमेल का लेके चलेंगे, पिछले बार 188 गया था तो इस बार 200 प्लस है। EWS की बात करें तो यह 280 प्लस इस बार जाएगा और 180 प्लस फीमेल के लिए। OBC की बात करें तो 290 प्लस और ये फीमेल की बात करें तो ये 190 प्लस जाएगा। SC की बात करेंगे तो ये 275 प्लस और 160 प्लस जो है फीमेल जाएगा। ST अब लास्ट जो आता है ये 260 प्लस जाएगा मेल का और फीमेल का 150 प्लस जाएगा। तो दोस्तों अगर हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल अगर टोटल जो आता है तो इसमें मेल का जो है 24 किलोमीटर जो है 4 घंटे में आपको चलना होता है, ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 14 किलोमीटर जो है यह 4 घंटे में चलना होता है। ये जो आपका फिजिकल होगा ये होगा संजय गांधी जैविक उद्यान के अंदर होगा, ठीक है। अगर जो है दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड अगर डेट की बात करें तो सूत्रों के अनुसार ये खबर निकल कर आ रही है कि आपके अप्रैल के जो पहले सप्ताह है इसमें हर हाल में, ठीक है, आपका जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में गांठ बांध लीजिए कि आपका रिजल्ट जो है सुनिश्चित ही आएगा, पक्का ये बात खबर है, ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है ये तैयार हो चुका है और हो सकता है, ये संभावना है कि फॉरेस्टर का, उसके बाद 3 दिनों के बाद फॉरेस्टर का रिजल्ट हुआ आया था, एग्जाम हुआ था, तो वो भी रिजल्ट जो है आपका आ जाएगा 3 दिनों के बाद हुआ था तो उसी दिन, नहीं तो 1 से 2 दिन के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि आपका जो रिजल्ट है बन के तैयार है फिजिकल के लिए, ठीक है, ये अपलोड करने भर की देरी है। जानते हैं कि CSBC पे बहुत सारा प्रेशर है, अभी एग्जाम हुआ है, PET हुआ है, अभी 8415 का अभी एग्जाम ले चुका है, ये सारे कंप्लीट करने के बाद अब बारी आता है फॉरेस्ट गार्ड का। तो दोस्तों आप जाएंगे कहाँ, sarkaririzult.com पे, वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे जाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे जाने के बाद ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे आप जाएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे जाने के बाद आप चेक करेंगे आपका रिजल्ट, तो उसमें PDF आएगा, PDF को डाउनलोड करेंगे और अपना जो आप रोल नंबर डालेंगे तो आप रोल नंबर डाल के अपना फिजिकल, आप ये फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए या नहीं इसके लिए आप अपना रिजल्ट को सुनिश्चित कर सकते हैं। और आप अभी से दो ये तैयारी स्टार्ट कर दे फिजिकल के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा समय बचेगा नहीं आपको, रिजल्ट के बाद 15 से 20 दिनों के अंदर में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। दोस्तों ये बात ध्यान से गांठ बांध ले, इसलिए आप चलना स्टार्ट कर दें और एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका जो चलने का जो वो कैपेसिटी होगा वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अगर मेरे चैनल को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।